गुड मॉर्निंग एवरीवन, यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे कि बर्थ कंट्रोल कैसे किया जाए, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद भी बच्चा जन्म ना ले, इसके लिए हम कौन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं लेकिन कि उनको बच्चा होता नहीं है, तो हम इस स्थिति को कहते हैं इनफर्टिलिटी, यानी कि बंध्यता। कुछ ऐसे शादीशुदा लोग होते हैं, कुछ ऐसे दंपति यानी कि कपल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी में लगातार इन्वॉल्व होते रहते हैं और कई महीने तक यानी कि साल दो साल तक भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, फिर भी उनको संतान नहीं होता है। संतान चाहते हैं लेकिन कि उनको संतान नहीं होता है, तो हम इस स्थिति को कहते हैं इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता। अब बात है कि कितने दिनों तक प्रयास करने के बाद अगर संतान ना हो तो हम उसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि दो महीना तक प्रयास किया गया और संतान नहीं हुआ तो फिर हम बोलेंगे कि हम इनफर्टाइल हो गए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कम से कम दो साल तक, यानी कि दो साल तक प्रयास करने के बाद भी अगर आपको संतान नहीं होता है तो आप इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, यानी कि आप इनफर्टाइल हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जब असुरक्षित कॉपुलेशन, असुरक्षित कॉपुलेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि होता है ना कि कॉन्डोम का यूज़ कर लिया गया या फिर फीमेल द्वारा कॉपर्टी का यूज़ कर लिया गया, ठीक, तो फिर वो सुरक्षित कॉपुलेशन होता है, वहाँ पर फिर बच्चा होता ही नहीं है। लेकिन कि असुरक्षित कॉपुलेशन का मतलब है कि हम कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बेबी हो, ठीक है, और जब असुरक्षित कॉपुलेशन के बाद भी दंपति यानी कि कपल को संतान नहीं होता है तो उस स्थिति को बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी कहते हैं, और ऐसे दंपति को बंध्य दंपति यानी कि स्टेराइल कपल कहते हैं। हम बोले कि अगर प्रयास करने के बाद भी दंपति यानी कि पति पत्नी को संतान नहीं हो पा रहा है तो हम इस स्थिति को कहते हैं इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता, और ऐसे पति पत्नी को, ऐसे दंपति को हम कहते हैं बंध्य दंपति। अब अपने देश में प्राचीन काल से एक मान्यता चलते आ रहा है कि अगर दो लोगों की शादी हुई और शादी को दो साल, चार साल, पाँच साल, सात साल, दस साल बीत गया लेकिन उनको बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्या होता है कि बेबी ना होने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। ये कहा जाता है कि इस स्त्री के वजह से यानी पत्नी के वजह से, पत्नी में कुछ गड़बड़ी है, पत्नी में ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, यानी कि सारा दोष किसके माथे दे दिया जाता है, वो स्त्री के माथे दे दिया जाता है, जबकि गड़बड़ी पुरुष में भी हो सकती है, यानी कि जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जहाँ गड़बड़ी है वो पुरुष में भी हो सकती है, स्त्री में भी गड़बड़ी हो सकती है, पुरुष में भी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कि इसका दोष महिलाओं को ही दिया जाता है। कहा जाता है कि स्त्री में ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, स्त्री में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और इस वजह से संतान नहीं हो रहा है। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि एक लड़की की शादी होती है और शादी को मान लिया कि जैसे दो साल बीता, तीन साल बीता, तो अब लड़के की मम्मी कहती है कि बेटा बहू को संतान नहीं हो रहा है, दिखा लो बहू को। क्यों दिखाएं बहू को, समस्या आपके बेटे में भी तो हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, प्रॉब्लम पुरुष में हो सकता है, स्त्री में हो सकता है, तो सिर्फ बहू को क्यों दिखाया जाए, बेटे को भी दिखाना चाहिए, तो दिखाना चाहिए दोनों को, यानी कि पति पत्नी दोनों को डॉक्टर से दिखाना चाहिए और अपना जो है इलाज करना चाहिए, किसी में फॉल्ट हो सकता है, लेकिन कि इस तरह का जो ब्लेम है वो महिलाओं को ही दिया जाता है। आस पड़ोस के भी लोग बात करने लगते हैं कि जो है संतान क्यों नहीं हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, स्त्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह का बात बोलने लगते हैं लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में प्रायः दंपतियों को बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को दिया जाता है जबकि समस्या पुरुष में भी हो सकती है, ठीक है।
अब यहाँ पर है कि बंध की स्थिति में दोष यानी कि जो गड़बड़ी है वो स्त्री या पुरुष या फिर दोनों में हो सकती है। अगर संतान नहीं हो रहा है तो यहाँ पर समस्या या तो स्त्री में हो सकता है, या तो पुरुष में हो सकता है, या फिर स्त्री पुरुष दोनों में हो सकता है। या तो किसी एक में गड़बड़ी हो या फिर दोनों में गड़बड़ी हो, तो फिर संतान नहीं होगा। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। 10 से 15% मैरिज कपल्स इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि 10 से 15% जो शादीशुदा लोग होते हैं ना वो इनफर्टाइल होते हैं। यानी कि अगर 100 लोगों की शादी होती, 100 शादीशुदा लोग की हम बात कर रहे हैं, 100 मैरिड कपल की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें से 10 से 15 कपल ऐसे मिल जाएंगे जिनमें कि इनफर्टिलिटी की समस्या होगी। अब एक बात यहाँ पर और लिखा है कि इनमें से केवल 1% ही अपना इलाज कराते हैं। यानी कि जितने भी लोग इनफर्टाइल होते हैं, जितने कपल इनफर्टाइल होते हैं, उनमें से केवल 1% उनमें से, यानी इनफर्टाइल कपल में से जो 1% इनफर्टाइल कपल होते हैं वो ही अपना इलाज कराते हैं। इलाज तो ऐसे सबको ही कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही तरीके से, जहाँ पर इसका सही से इलाज हो सकता है, एक अच्छे डॉक्टर को जो दिखाना जिसको हम बोलते हैं, तो केवल 1% ही इनफर्टाइल कपल हैं जो कि अच्छे डॉक्टर को दिखा करके अपना इलाज कराते हैं, बाकी जो है वो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं कराते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है स्त्री में बंध्यता के कारण। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्त्री है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि हम तो जान गए कि प्रॉब्लम स्त्री में हो सकता है और पुरुष में हो सकता है, यानी कि इनफर्टिलिटी का जो कारण है वो प्रॉब्लम स्त्री में भी हो सकता है और पुरुष में भी हो सकता है। पहले देखते हैं कि स्त्री में कौन कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्त्री में पहला कारण है ओवरी का अविकसित रह जाना। यानी कि किसी किसी स्त्री में जो ओवरी होता है वो जन्म से ही अविकसित रह जाता है, जन्म के टाइम से ही वो ओवरी अविकसित है, और अगर ओवरी अविकसित है तो उस ओवरी में ओभम का निर्माण नहीं होगा, और अगर ओभम का निर्माण नहीं होगा तो फिर उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरा रीजन है ओभम का ना बनना। कभी कभी क्या होता है कि ओवरी ठीक है, ओवरी विकसित हो चुका है, ओवरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कि उस ओवरी में जो ओभम है वो पूर्ण रूप से बनता नहीं है, यानी कि वह ओभम रिलीज होकर के फिलोपियन ट्यूब में जाता नहीं है। तो जब ओभम नहीं बनता है तो हम इसे कहते हैं PCOD, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, PCOD, यानी कि जब ओवरी में ओभम नहीं बन रहा है तो हम इसको बोलते हैं PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, इसका मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्लास में पढ़ चुके थे कि ओवरी के अंदर में बहुत सारा छोटा छोटा थैली होता है जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल, और उस प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर में बनता है ओभम, प्रत्येक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर में बनता है ओभम। ये ओवेरियन फॉलिकल धीरे धीरे मेच्योर होता है, और जो सबसे ज़्यादा मेच्योर जो फॉलिकल होता है उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। फिर ग्राफियन फॉलिकल टूटता है, ग्राफियन फॉलिकल जैसे टूटता है तो फिर वहाँ से ओभम बाहर निकलेगा, और वो ओभम ओवरी से बाहर निकल करके फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है। जाता है कि नहीं, याद है ये सब? तो अब इसमें क्या होता है, ये PCOD में क्या होता है कि वो जो ग्राफियन फॉलिकल रहता है ना, तो ग्राफियन फॉलिकल का जो ऊपर का जो कवर रहता है वह हार्ड हो जाता है, और वो जब हार्ड हो जाएगा तो ग्राफियन फॉलिकल टूट ही नहीं सकता है। फॉलिकल के अंदर में ओभम पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, अब वो बाहर निकलने के लिए रेडी है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल टूटता नहीं है, और जब ग्राफियन फॉलिकल टूटता नहीं है तो ओभम ग्राफियन फॉलिकल से बाहर नहीं निकल पाता है, यानी कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो ओभम बना लेकिन कि चूंकि ग्राफियन फॉलिकल टूट ही नहीं पाया, और इस वजह से ओभम रिलीज नहीं हो सकता है, तो फिर उसको भी संतान नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं PCOD, यानी ओभम का ना बनना। इसके बाद है फेलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी का होना। किसी किसी फीमेल में फेलोपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। फेलोपियन ट्यूब में क्या गड़बड़ी हो जाती है, तो फेलोपियन ट्यूब कुछ ज़्यादा ही मुड़ जाता है, फेलोपियन ट्यूब कुछ ज़्यादा ही मुड़ जाता है। कुछ फिगर बना करके दिखाएं, ये है यूट्रस,
ठीक है। और ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये देखो फेलोपियन ट्यूब क्या है यहाँ, ये जो फेलोपियन ट्यूब है ये थोड़ा मुड़ा हुआ सा है ना, फेलोपियन ट्यूब यहाँ पर देखो मुड़ गया, ये हो गया फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कैसा है, मुड़ चुका है। तो जैसे ये मुड़ जाता है ना, फिर ओवम तो यहाँ से निकलेगा, ओवम निकलेगा, लेकिन वो ओवम सही से आगे मूव नहीं कर सकता है। और जब ये सही से आगे मूव नहीं कर सकेगा तो जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए फर्टिलाइजेशन करने के लिए, वहाँ तक वो सही समय पर पहुँच नहीं सकता है, और इस वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और इस फीमेल को भी संतान नहीं हो पाता है। तो फेलोपियन ट्यूब में क्या गड़बड़ी हो सकती है, फेलोपियन ट्यूब थोड़ा सा ज़्यादा ही मुड़ जाता है और इस वजह से उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद है यूट्रस में गड़बड़ी का होना। यूट्रस में क्या गड़बड़ी होता है, तो यूट्रस का ये जो इंटरनल लाइनिंग है जिसको हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, इस इंडोमेट्रियम में ही ना इम्प्लांटेशन होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इंडोमेट्रियम सही तरीके से मोटा हो ही नहीं पाता है, और इस वजह से यानी कि इंडोमेट्रियम जो है वह इम्प्लांटेशन के लायक वो उतना मोटा होता ही नहीं है। तो इम्प्लांटेशन जैसे होने का प्रयास करेगा, इंडोमेट्रियम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जब इंडोमेट्रियम उस इमरायो को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सही तरीके से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, और फिर बेबी गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। बेबी बनने से पहले वो छोटा सा जो इमरायो रहता है वो ही फिर नष्ट हो जाता है, जब इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाया तो वो इमरायो तो नष्ट होना है। तो ये यूट्रस में भी गड़बड़ी होता है, तो यूट्रस का जो ये इंडोमेट्रियम है ये सही तरीके से मोटा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इमरायो का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, और इस वजह से उस फीमेल में भी प्रेगनेंसी रुक नहीं सकता है, यानी कि वो फीमेल अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। तो ये सब समस्या स्त्री में देखने के लिए मिलता है। क्या क्या बताएं, ओवरी का अविकसित रह जाना, ओवम का ना बनना, फेलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी का होना, यूट्रस में गड़बड़ी का होना। अब हम लोग देखते हैं कि मेल में कौन कौन सी समस्या हो सकती है। पुरुष में बहुत सारा समस्या ऐसा है जो कि पुरुष में भी देखने के लिए मिलता है, और इसके वजह से भी उस पुरुष की जो पत्नी है उसको संतान नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पुरुष में बंध्यता के कारण, अब पुरुष में क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है। टेस्टिस का अविकसित रह जाना, कभी कभी क्या होता है कि जन्म के टाइम से ही मेल में वो टेस्टिस अविकसित रह जाता है। टेस्टिस अत्यंत छोटा रह जाएगा, अविकसित रह जाएगा, और इस वजह से उस टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता ही नहीं है, और जब स्पर्म का निर्माण नहीं होगा तो फिर उनकी वाइफ को संतान नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके बाद है टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रह जाना। हम बताए थे कि जन्म के पहले इम्ब्रायोनल स्टेज में जो मेल होता है, जो मेल फीटस है, उसमें टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर रहता है, लेकिन जन्म होने तक वह टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आता है और वो स्क्रोटम में पहुंच जाता है। अब बताए थे कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वह बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, ताकि टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण ठीक से हो सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बच्चे में क्या होता है कि इम्ब्रायोनल स्टेज की हम बात कर रहे हैं, जब कोई मेल इम्ब्रायो है यानी कि मेल फीटस है, तो उसका टेस्टिस शुरू में कहाँ रहेगा, इम्ब्रायोनल स्टेज में कहाँ पर रहेगा, एबिडोमिनल कैविटी के अंदर रहेगा, एबिडोमिनल कैविटी के अंदर रहेगा यानी पेट के अंदर रहेगा। और जन्म तक में होना क्या चाहिए, तो होना यही चाहिए उस टेस्टिस को नीचे आना चाहिए, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में आ जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उसका टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में ही रह जाता है, स्क्रोटम में आता ही नहीं, स्क्रोटम पूरा खाली रहता है। तो बच्चे का जन्म हो जाता है लेकिन कि टेस्टिस उसके पेट के अंदर ही रह जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाता है, स्क्रोटम में आया ही नहीं। तो जब टेस्टिस पेट के अंदर में रह गया तो टेस्टिस का टेम्परेचर तो बॉडी टेम्परेचर के बराबर ना रहेगा, और जब टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर रहेगा तो उस टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है। स्पर्म के निर्माण के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए, और इसके लिए टेस्टिस को
एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में आना पड़ेगा, लेकिन कि कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही रह जाता है और इस वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के समान हो जाएगा और इस वजह से उस टेस्टिस में स्पर्म बनता नहीं है। जब स्पर्म नहीं बनेगा तो उनकी वाइफ को फिर संतान नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है, स्पर्म का निर्माण ना होना। कभी कभी क्या होता है कि टेस्टिस तो बन गया लेकिन उसमें स्पर्म ठीक से बनता नहीं है। अब स्पर्म क्यों नहीं बन सकता है, तो हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में कमी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से सही से स्पर्म बन ही नहीं पा रहा है, या फिर हो सकता है कि किसी को टेस्टिस में बहुत ज़ोर से चोट लग गया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी व्यक्ति के टेस्टिस में बहुत ज़ोर से अगर चोट लग गया हो तो फिर उस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है, या तो हार्मोन में गड़बड़ी है या तो चोट लगने के कारण टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है, तो इस वजह से उनकी वाइफ को फिर संतान नहीं होगा। उसके बाद है सीमेन में स्पर्म की संख्या कम होना, यानी कि सीमेन में अगर स्पर्म कम है, स्पर्म अगर कम है तो फिर उनकी वाइफ को संतान नहीं होगा। तो सीमेन में स्पर्म की संख्या का कम होना, इस तरह का समस्या काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसके बाद है स्पर्म का इनएक्टिव होना, यानी कि स्पर्म, कुछ स्पर्म होता है एक्टिव और कुछ स्पर्म होता है इनएक्टिव, यानी कि कुछ स्पर्म है जो बड़ी तेज़ी से फीमेल जेनिटल ट्रैक में जैसे जाएगा वो बड़ी तेज़ी से तैरते 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 वो फिलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएगा, और कुछ स्पर्म ऐसा होता है जिसमें कि टेल ही नहीं रहता है। जब टेल नहीं है तो फिर वो उसका एक्टिविटी कम हो जाता है, वो सही से वो उसको वो बढ़िया से तैर ही नहीं सकेगा, वो फीमेल जेनिटल ट्रैक में जाएगा वो सही से तैर नहीं सकेगा, वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं सकेगा। तो कुछ स्पर्म होता है जो एक्टिव होता है, बड़ी तेज़ गति से पहुंचते पहुंचते वो चला जाता है फेलोपियन ट्यूब के पास, और कुछ स्पर्म ऐसा होता है जिसमें टेल वो विकसित रह जाता है या टेल का निर्माण सही से नहीं हो पाता है, उसको तैरने में बहुत दिक्कत है, वो फिर सही से तैर नहीं सकता है, वो इनएक्टिव टाइप का स्पर्म होता है। तो कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनका जो स्पर्म है वो इनएक्टिव टाइप का होता है और इस वजह से भी उनकी वाइफ को संतान नहीं हो पाता है। और इसके बाद है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब है पेनिस का इरेक्ट ना होना, यानी कि हम जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो पेनिस है वह पतला लचीला झुका हुआ टाइप का रहता है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में पेनिस के अंदर का जो टिश्यू है उसमें बहुत सारा ब्लड भर जाता है और इस वजह से वो पेनिस जो है वह इरेक्ट यानी कि वो सीधा हो जाता है, और जब वो सीधा होगा हार्ड होगा तो फिर ये पेनिस फीमेल के वजीना में आसानी से प्रवेश कर सकता है। लेकिन कि यदि पेनिस इरेक्ट ना हो, सीधा ना हो, हार्ड ना हो, मुलायम लचीला ही रह जाए तो फिर यह पेनिस सही तरीके से वजीना में प्रवेश नहीं कर सकेगा, इनसेमिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनमें कि उसका पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो इस वजह से भी उनकी वाइफ को संतान नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखा हुआ है ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये वह तकनीक है ART आर्ट यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये वह तकनीक है जिसका उपयोग करके बंध्य दंपति भी अपना संतान प्राप्त कर सकता है, यानी कि ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये वह तकनीक है जिसका उपयोग करके अगर इसका उपयोग किया जाए बंध्य दंपति के द्वारा तो उनको भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। थोड़ा सा ये विधि महंगा पड़ जाता है लेकिन कि संतान उत्पन्न हो सकता है। अब इसके अलावे एक और तरीका है संतान प्राप्त करने का, अगर इस ART मेथड का यूज नहीं किया जाए तो एक और तरीका है। क्या तरीका है, बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, उनके माता पिता का कुछ अता पता नहीं रहता है, अनाथालय में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ से भी उस अनाथ बच्चे को भी गोद लिया जा सकता है। तो आज हम लोग इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता के बारे में पढ़े,
और हम लोग अगले क्लास में ये जो बताएं ना आर्ट, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी वह कौन कौन सा तरीका है जिसके द्वारा बंदी दंपत्ति को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे अगले क्लास में हम लोग। यानी कि कल ही ये लेक्चर आएगा, एक दो दिन का फिर गैप नहीं होगा, कल ही ये लेक्चर आएगा कि आर्ट को डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वह कौन कौन सा तरीका है जिसका उपयोग करके बंदी दंपत्ति को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ऑल द बेस्ट।